बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अबू दुर। आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैथ 301 की असाइनमेंट नंबर 2 के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है, तो मैं इसका फाइनल सोल्यूशन लेकर हाज़िर हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास क्वेश्चन फाइल मौजूद है, तो मैं जिसे अभी आपके सामने ही सॉल्व करूँगा। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं जो दोनों टेन टेन मार्क्स के हैं। तो हम पहले एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से डीजी स्किल की असाइनमेंट और इस तरह से वीयू की असाइनमेंट और उनके क्विज़ वगैरह का सोल्यूशन लाता रहता हूँ। तो चलिए अपनी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नीचे दिए गए ये जो हमें दिए गए डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, एंड देन इंटीग्रेट इट। और उसके बाद आपने इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, एवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल। इसके बाद हमने लाइन इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। यहाँ पर हमें इंटीग्रल की सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, जबकि वेयर द सी इज़ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 0, -1, 2, 1, 2, 1 और 2, ठीक है? ये हमें सी की वैल्यू भी उन्हें दे दी है कि जहाँ पर लाइन ज्वाइन करती है उनके पॉइंट है 0, -1 और 1 और 2, ठीक है? तो पैसा से पहले हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू लेंगे और इसे हम प्रूव करेंगे दिस इज़ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल आर नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है। तो ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये मेरे एक दोस्त ने बनाया, ठीक है? उससे मैंने लिया है। तो ये सिर्फ आपको एक जस्ट आइडिया देने के लिए और उसका असाइनमेंट को सॉल्व करने का तरीका बताने के लिए है। ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है कि जिसे आप कॉपी पेस्ट करें और सॉल्व करके सबमिट कर दें। आपने सिर्फ इसे जस्ट एक आइडिया लेना है और ख़ुद ब खुद टाइप करना है और ख़ुद इसे सबमिट करना है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो ये हमारी कंडीशन 1 हो जाएगी, डी जी इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स वाई डी वाई। ये हमारी 1 पहली कंडीशन, और उसके बाद डी जी इज़ इक्वल टू पी डी एक्स और क्यू डी एक्स। पी इज़ इक्वल टू एक्स एंड क्यू इज़ इक्वल टू वाई। पी को हमने एक्स के इक्वल लिया और क्यू को वाई के इक्वल लिया है। उस तरह से जी पी ओवर जी वाई इज़ इक्वल टू 0 और जी क्यू ओवर जी एक्स इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? क्योंकि हमने वाई को और जी को इसके नीचे नीचे ले आए, ठीक है? इस तरह से ये हमारे पर कंडीशन बन गई, पी ओवर वाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एक्स। इसके बाद आप हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। पहले तो मैंने ये कंडीशन बना ली, उसके बाद डी जेड और डी जेड की ये दो वैल्यूज़ हैं, इसे हमने क्वेश्चन 1 कह दिया। और उसके बाद डी जेड जो ऊपर वाली हमने कंडीशन बनाई है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसे हमने 2 कह दिया। इसे हम पहली वाली कंडीशन को पी कह रहे हैं और दूसरी कंडीशन को क्यू कह रहे हैं। और हमने पी और क्यू की जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं ये वाली, इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। पहली वाली हम जो ये वाली वैल्यूज़ है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी जो वैल्यूज़ होगी ये वाली, इसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने वाई की वैल्यूज़ को 0 लिया है और यहाँ से एक्स की वैल्यू को 0 लिया है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आया है, ठीक है? जो हमने वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारे पास बाकी बचा है -4x+y या -4x+4y, ठीक है? ये हमारे पास दूसरा मेथड आ गया कि दूसरे मेथड थे किस तरह से कर सकते हैं ये हमने, ठीक है? डी एक्स प्लस वाई और डी वाई, ठीक है? डी जी क्यू डी, ये वैसे ही अलग अलग सोल्व किया हुआ है। यहाँ पर हमने इसे इकट्ठा सोल्व किया और यहाँ से यहाँ नीचे यहाँ पर ये अलग अलग सोल्व किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आपने इसे करना था। उसके बाद हमने जी को अलग से सोल्व किया है, ठीक है? और अब हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, जिसे हमने अब सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सॉल्व करना है, एवेल्यूएट द इंटीग्रल। ये हमारी इंटीग्रल दिया हुआ है, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है? तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया। इंटीग्रल के लिए पी डी एक्स और क्यू डी एक्स, ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले के तहत हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डी वाई और 3 डी एक्स, ये हमने लाइन और ग्राफ वगैरह लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेनी है।
उसके बाद पहले हम पी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के ये वाली वैल्यूज़ ऐड करेंगे, और वाई निकालने के लिए हम ये वाली वैल्यूज़ ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इसे हम 1 कह देंगे, पी वाली को और क्यू वाली को 2 कह देंगे। इस तरह से हम पी और क्यू इनको कंबाइन करके इनका सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दिस इज़ अ जस्ट एन आइडिया, ये एक आइडिया सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको असाइनमेंट को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बना लूँगा, तो मैं वो आपको टाइप किया हुआ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब जैसे ही मुझे अपडेट सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो मैं आपको अपडेट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा, और मैं आपको बता भी दूँगा कमेंट में, मैं आपको बता दूँगा कि मैंने वो सॉल्यूशन अपडेट कर दिया। वहाँ से उसे फिर दोबारा जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।